मैं शुरू करूँ। मैं हरि नारायण ठाकुर हूँ, महारानी जानकी कुंवर कॉलेज बेतिया का प्रिंसिपल। इसके 3 महीने पूर्व मैं मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी में प्रिंसिपल था, और इसके पूर्व भी 3 और कॉलेजों में प्रिंसिपल रहा। इसके पहले 14 वर्षों तक, लगभग 14-15 वर्ष तक मैं प्रोफेसर रहा। आज भी मैं अपने आप को मूल रूप से बेसिकली प्रोफेसर ही समझता हूँ, शिक्षक। और मैंने अपना कैरियर प्राइमरी स्कूल में शिक्षण से शुरू किया था, फिर हाई स्कूल नवोदय होते हुए मैं यहाँ तक आया। और मेरा मूल काम प्रशासन से अधिक शिक्षण है। मैं एकेडमिक हूँ शुद्ध रूप से। आज भी जहाँ जिस महाविद्यालय में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स टू सोसाइटी का फॉलो करते हुए MHRD, भारत सरकार चाहे UGC, चाहे नई शिक्षा नीति का अनुसरण NAC का करते हुए हम संस्था को समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में हमने कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है सफलतापूर्वक। आज का जो समय और समाज है, शिक्षक की गरिमा के बहुत अनुकूल नहीं है। खासकर इन 3-4 वर्षों में जो शिक्षकों शिक्षक छात्रों का जो संबंध होना चाहिए उसमें कमी आई है। कमी तो पहले से भी रही है, इसमें कमी व्यवस्था और व्यवस्था की ओर से है, और छात्रों की ओर से भी, समाज की ओर से भी कमियां गिनाई जा सकती है। लेकिन मूलतः जो बेसिक कमी जो हमारे स्ट्रक्चर की है, वो है बिहार जैसे राज्यों में उच्च शिक्षा को वह महत्व नहीं दिया जा रहा है उस तरह से। न शिक्षकों को मैंने उसकी गरिमा का सम्मान होता है, और न शिक्षण को महत्व दिया जा रहा है। मास एजुकेशन करके सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की ओर से उस शिक्षा नहीं जा रही है। इतनी सारी कमियां हैं। क्लासेस नहीं हो रहे हैं, परीक्षा और नामांकन तक उस शिक्षा सीमित है। ऐसे में जो राजनीति है, आज खास करके राजनीति उच्च शिक्षा पर हावी हो गई है, और इस राजनीति के हावी होने से शिक्षा में, खासकर उच्च शिक्षा को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कि अलग अलग विचारधारा के लोग अपनी पृष्ठभूमि में आज के समय में शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षा तंत्र पर ही हमला करते हैं। शिक्षक जो उनकी विचारधारा के नहीं होते, सत्ता वर्ग के जो लोग हैं, खास करके ऐसे शिक्षक जो संविधान को मानते हैं, जो शिक्षा नीति को मानते हैं, NAC और तमाम उच्च मानदंडों के आधार पर जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, संविधान सम्मत संविधान के प्रस्तावनाओं के अनुकूल जो एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, उनके साथ एक तरह का खतरा है। उनको ट्रेडिशनल एजुकेशन जो पारंपरिक पढ़ाई है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और इस तरह के लोग हावी होकर के उनका नुकसान करना चाहते हैं। अभी हाल में महात्मा